नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोलिया। यहाँ पर इस वीडियो में आप पर बताऊंगा कि साला दर्पण इंटर्नशिप की मेन वेबसाइट पर जो स्कूल इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर जो है वो आईडी पासवर्ड, यहाँ पर साला दर्पण इंटर्नशिप वेबसाइट पर आईडी पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पर जो है वो सेकंड राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो उसका यहाँ पर फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आईडी किस तरीके से बनाएंगे लॉगिन करने के लिए, वो पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साला दर्पण इंटर्नशिप सर्च करेंगे। जैसे सर्च करते हो तो एक वेबसाइट आपको जो टॉप पर देखने को मिलती है साला दर्पण वाली, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा कैंडिडेट लॉगिन पर। तो इस ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है और आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। देखिए बिना स्किप के वीडियो को देखना ताकि आपको सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिल सके, बिना स्किप के देखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो देखने को मिल चुका है आपको। यहाँ पर टाइप यहाँ पर जो है वो नीचे कैप्चर कोड नंबर डालना होगा। यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैप्चर कोड नंबर कहाँ से डालोगे, जब आईडी पासवर्ड आपको मिलेगी तो आप लॉगिन कर पाओगे। इससे पहले कुछ इस तरीके से भी पेज आ सकता है। कैंडिडेट लॉगिन पर आपको जाना होगा और कैंडिडेट लॉगिन के बाद में आपको जो है वो आगे का प्रोसेस आपको करना है। देखिए बात करते हैं अब आईडी पासवर्ड किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करना है, तो उसके लिए बात करते हैं कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में बात करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो है वो नीचे आपको थोड़ा सा पेज यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। नीचे आपको जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बात करें यहाँ पर फॉरगेट और सर्च यूजर नेम, नीचे आपको लॉगिन के नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इन्हीं से बात करेंगे। इसी देखिए सर्च यूजर नेम, तो यहाँ से अगर आप क्लिक करके आगे कंटिन्यू करते हो तो आपको यूजर नेम आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यूजर नेम। बट आपको जो है वो पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर यूजर नेम प्राप्त होगा यहाँ से, तो हमें लेकिन यूजर नेम हमें प्राप्त नहीं करना है। हमें यहाँ पर प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, हमें पासवर्ड और यूजर नेम दोनों प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपके कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आना होगा यहाँ पर, उसके बाद में एडमिशन ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा 2023-24। आपको जैसे क्लिक करते हो 2023-24 तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट नाम, देखिए कैंडिडेट नाम के यहाँ पर प्रथम टू लेटर आपको यहाँ पर डालना होगा। क्या डालना होगा, प्रथम टू लेटर, कैंडिडेट नेम के यहाँ पर प्रथम टू लेटर यहाँ पर डालना होगा। हाँ, और टू लेटर डालने के बाद में आप यहाँ पर जो है वो कैपिटल स्मॉल जो भी डालना है वो डाल दीजिएगा। कैप्चर कोड नंबर जो दिया गया है वो कैप्चर कोड नंबर डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। तो ये कंप्लीट ये जानकारी आपको बताने वाला था। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर जो है वो फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। बीएड है वो तो बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड हो तो वो सभी, तो जो भी इस कॉलेज से सिमिलर जो भी प्रथम टू लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। अब आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका खुद का नाम है उसके आगे आपको गेट यूजर नेम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, गेट यूजर नेम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका नाम मिलेगा, मदर नेम आपको मिलेगी, आपका रोल नंबर मिलेगा कॉलेज का, तो ये सभी मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आगे आपको जेंडर देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर के 4 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे, एक्शन में आपको जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। जैसे मान के चले ये मेरा कैंडिडेट है, कैंडिडेट के आगे आपको जो है वो मोबाइल नंबर चेक किया, फीमेल देख चेक किया, और उसके बाद में गेट यूजर नेम पर आपको क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, गेट यूजर नेम पर क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गेट यूजर नेम पर जैसे क्लिक कर दो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर जो है वो देखिए मोबाइल नंबर आपको लास्ट डिजिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पर ओटीपी जाएगा। मैं आपको बता दूँ ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए वापस से गेट यूजर नेम पर हम क्लिक करेंगे, आगे का प्रोसेस भर के बताता हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो हमें यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, गेट यूजर नेम पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद में हमारे सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। जो मोबाइल नंबर 4 डिजिट आपको देखने को मिल रहा था अभी, वो यहाँ पर 4 डिजिट वाला कंप्लीट मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। और कंप्लीट मोबाइल नंबर डालने के बाद में यस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे कि यस पर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यस पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, यस पर हम क्लिक करते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। हमारे पास में मोबाइल नंबर पर क्या करेगा, ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ओटीपी जा चुका है, ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पर जा चुका है। तो आपको ओटीपी यहाँ पर डालना होगा, मोबाइल नंबर पर जो भी गया है उस मोबाइल नंबर पे से ओटीपी लेना है और यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो ओटीपी मेरे पास में आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डाल लेता हूँ।
तो ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आईडी और पासवर्ड दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए सर्च यूजर नेम करते हो तो भी आपको आईडी पासवर्ड दोनों एक बार में ही देखने को मिल जाता है, अगर फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो भी आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यानी आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है। आईडी पासवर्ड मैसेज के द्वारा आपको मोबाइल पर भी प्राप्त हो जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लोज पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको क्लोज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड ये दोनों नोट डाउन करने के बाद में क्या करना होगा, क्लोज पर क्लिक करना होगा। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। आईडी पासवर्ड मिल चुके हैं, बट आपको यहाँ पर क्रिएट करना होता है, पासवर्ड बनाना होता है। वो किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि आपको जो आईडी पासवर्ड मिल चुका है उससे लॉगिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी आपको अभी आईडी पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना होगा। क्या डालना होगा, जो भी अभी आप पर पास आईडी पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना होगा। आईडी यहाँ पर जो है वो डाल लेता हूँ। उसके बाद में यूजर नेम, देखिए यूजर नेम हो गया ये, तो यूजर नेम के बाद में नीचे जो पासवर्ड के रूप में है वो अभी जो पासवर्ड के रूप में जो मिला था वो यहाँ पर डालना होगा। क्या डालना होगा, जो पासवर्ड के रूप में जो पासवर्ड मिला है वो यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में कैप्चर कोड नंबर डालना होगा और लॉगिन करना है। तो ये प्रोसेस मैंने बताया। चलिए सभी डिटेल जो आप मिली थी अभी वो यहाँ पर डाल लेते हैं। आगे का कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं और लॉगिन करते हैं और आगे क्या हमारे पास में देखने को मिलता है वो यहाँ पर देख आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर्च यूजर नेम करो, फॉरगेट पासवर्ड करो, एक ही बात है। जो भी करना चाहते हो वो कर लीजिए, एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। यानी फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो वो भी वही स्टेप आएंगे और वैसे ही आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे। सर्च यूजर नेम पर क्लिक करते हो तो भी आपको वही स्टेप बाई स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। किसी भी ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपको वही प्रोसेस अपनाना है। चलिए ये प्रोसेस हमने कर लिया है, बात करते हैं आगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हम यहाँ पर जो है वो कैप्चर कोड नंबर डाल लेते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। लॉगिन पर हम क्लिक कर लेते हैं, सभी डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आएगा। यहाँ देख पा रहे होंगे चेंज पासवर्ड, यहाँ पर जो है वो पासवर्ड बनाना होगा। देखिए यूजर नेम हमारे प्राप्त हो चुका है लेकिन जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड नहीं चलेगा, आपको पासवर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए चार कॉलम ओपन हो रहे हैं जिसमें आपको यूजर नेम देखने को मिल रहा है, उसके बाद में इंटर ओल्ड पासवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको जो भी मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ है वही आपको वापस डालना होगा और न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पर ये पासवर्ड डाल के और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अब बात करते हैं पासवर्ड कैसे बनाने हैं। आपको उदाहरण के बेस पे आपको टॉप पर भी देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर कि किस तरीके से बनाने होंगे। तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं और बात करते हैं कि पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाने हैं नए वाले। तो किस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेट चलने वाला है वो आपको मैं बताता हूँ। तो न्यू टैब में ओपन करके आपको मैं बताता हूँ। तो न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। फॉर्मेट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कम से कम 6 डिजिट आपके होने चाहिए, 6 से 10 डिजिट तक आप पासवर्ड बना सकते हो। कैपिटल हो, स्मॉल हो, मैथमेटिक्स नंबर हो, ये सभी होने चाहिए। स्मॉल हो, कैपिटल हो, मैथमेटिक नंबर, सिंबल्स, ये सभी का यूज करते हुए आपको बनाना है। तो देखिए कैपिटल यूज कर सकते हो, उसके बाद में स्मॉल यूज कर सकते हो, कम सिंबल्स का यूज कर सकते हो। आपके नाम का जो है वो सिंबल यहाँ पर डालिएगा, देखिए AJE@1234567। इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप अपना यहाँ पर पासवर्ड बनाइए जिसमें सिंबल्स भी हो, यहाँ पर कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, मैथमेटिक्स नंबर भी हो। कुछ इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा आपको। पासवर्ड डालेंगे क्या करना होगा, इंटर न्यू पासवर्ड में आपको जो भी नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हो, पासवर्ड रखना चाहते हो, वो यहाँ पर पासवर्ड यहाँ डालेंगे। और इंटर कन्फर्म पासवर्ड में जो अभी यहाँ पर पासवर्ड बनाया है वही आपको दोबारा से डालना होगा। वही आपको दोबारा से डालने के बाद में क्या करना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है। कुछ इस तरीके से पासवर्ड यहाँ पर अपडेट हो जाता है। हमारा पासवर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है, यहाँ पर नया वाला पासवर्ड बन चुका है। अब दोबारा से हमें कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके आना होगा। यूजर नेम हमें जो प्राप्त हुआ था वो यूजर नेम डालेंगे। पासवर्ड में जो हमें पासवर्ड मिला है, क्या पासवर्ड के रूप में जो भी पासवर्ड हमें मिला है वो पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड नंबर डाल के मिला है यानी जो आपने बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में कैप्चर कोड नंबर डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ओटीपी में आया था मैसेज के द्वारा वो पासवर्ड नहीं डालना है, आपने जो बनाया था वो डाल के आपको लॉगिन करना है। तो कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके आईडी पासवर्ड, सॉरी आपका नाम, नाम, फादर नेम, मदर नेम, कोर्स, कॉलेज, ये सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉगिन कर पाएंगे। हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो, इसके बाद में आप स्कूल चॉइस फिल कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर आईडी पासवर्ड से रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्कूल यहाँ पर जो है वो फिल करना होगा, स्कूल चॉइस आपको फिल करनी होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहता है। तो चलिए दोस्तों के साथ में शेयर करते हुए एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।